से घायल बंदर को पकड़ के लाना, जान जोखिम में डालना। घायल है ये, कुछ खा नहीं पे खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। 7 जनवरी 2015 की घटना देख रहे हैं। तो ये कहीं दूध है, कहीं दाल का पानी है, ये सब इनको करीब केवल पानी पी पा रहा है, कुछ इसके अंदर जा नहीं रहा। कितना रिस्की काम है, बदबू अलग आ रही है, कौन भयानक बीमारी पकड़े है। इससे बढ़ करके कौन सा हनुमान का यंत्र है, इससे बढ़ के कौन सी हनुमान जी की पूजा है। उनको दूध है पसंद है, दाल का पानी जो है लगाए हैं, थोड़ा नमक भी अंदर चला जाए। कौन सी यंत्र बिक रहा है, पूजा पाठ की लोग हनुमान की बात करते हैं, है? पत्थर के हनुमान हनुमान हो गए, ये कौन है? देखिए अंदर इसको कुछ जा नहीं पा रहा है, अभी दूध भी दिखाएंगे, इसको पसंद कम है। हनुमान यंत्र बिकता है, है? तो देखो, देखने के बाद अपने विचार व्यक्त करो। 94 हमें मोबाइल करो, हमें सुझाव दो। 94-589-127 घायल बंदर है, बाली अगर हमारा हाथ भर ले तब क्या होगा। पैर इसके पैर नहीं मोड़ पा रहे हैं, कि पैर इसका मोड़ जाए। थोड़ा इसको दूर भी देखिए, अभी इसको छोड़ देते हैं अगर हैं तो इसको हाथ दिया, देखिए ये हाथ ऐसे नहीं ये सीधा कर पा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा दूध डाल के देखते हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, बैठे ला रहे, बैठे बैठे, तो ये अभी दूध है। अब ये पी रहा है, ये कोई पालतू बंदर नहीं है हमारा, ये लावारिस बंदर है। लेकिन हिम्मत होना, वो भी समझ रहा है कि कोई आदमी हमारी सेवा कर रहा है। लेकिन अब जानवर तो जानवर, ये इतनी बुद्धि तो है नहीं। देखिए दूध बड़े चाव से पी रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे घायल बंदर की सेवा करके इसकी जान बचाना, इससे बढ़ करके न कोई हनुमान मंदिर का निर्माण है, ना ही कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है। अगर है तो 94-589-127 पर हमें मोबाइल करें, या हमारे फेसबुक पर उसका हमें जवाब दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।